और एक और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शादी ईदगाह शाही ईदगाह विवाद में केस में आज बड़ा दिन है। शाही ईदगाह में सर्वे वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अब आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। जो दूसरा पक्ष है उसने वक्त की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि वक्त दे भी दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईदगाह सर्वे का जो आदेश दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां से रोक लगा दी गई थी। क्या आज इस मामले में जब सुनवाई होगी तो वक्त मिलता है, क्या होगा ये इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक एक करके बड़ी बातें हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर को कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। लेकिन आज इस केस के लिए एक बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति पर फैसला होना तय माना जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आखिर क्या चल रहा है। देखिए, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर फिलहाल रोक लगी हुई है। पिछली सुनवाई में 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। अब दरअसल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फिलहाल अंतरिम रोक भी जारी रहेगी। तो ये पूरा मामला है, फिलहाल क्या अपडेट है आपको बताया। अब देखिए, मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है, ये करके आपको ग्राफिक्स की मदद से हम समझाते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष क्या कहता है। हिंदू पक्ष इसमें कहता है कि शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मौजूद हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है, देखिए, शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के कई सबूत वहां मौजूद है, जैसे कि दीवारों पर कमल के चिन्ह है, ओम और शेषनाग की आकृति भी मौजूद है। शाही ईदगाह परिसर में स्वास्तिक के निशान भी मौजूद हैं। ये तमाम आकृतियां सनातन धर्म की प्रतीक हैं और ये वहां यहाँ पर शाही ईदगाह परिसर के अंदर ये अंकित है, ये वर्णित है। ये हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जाता है और यही वजह है कि हिंदू पक्ष सर्वे कराने की मांग करता है। मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह होने का भी दावा किया जाता है। वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही जो सच है वो सामने आ पाएगा और यही वजह है कि हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यहाँ पर सर्वे कराया जाए ताकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो सामने आ जाए। लेकिन मस्जिद परिसर में ऐसे कोई चिन्ह या आकृति मौजूद नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। हम फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ईदगाह में कमल, ओम, शेषनाग का निशान मौजूद है, ये हिंदू पक्ष कहता है। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, मस्जिद में इस तरह की कोई आकृति नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा है कि सर्वे कराया जाए परिसर का, तब जाकर जो सच्चाई है वो सामने आएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को खारिज करता है कि इस तरीके के निशान जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो हमारे परिसर में कहीं पर नहीं है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद आखिर है क्या। देखिए, मथुरा शाही ईदगाह विवाद दरअसल 350 साल पुराना है। विवाद दरअसल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है और जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग भी हिंदू पक्ष कर रहा है। हिंदू पक्ष का शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। हिंदू पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते तक को अवैध बताया है। यहाँ यह भी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 11 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। तो ये जो पूरा मामला है वो शुरू हुआ मालिकाना हक के साथ।